नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबर हरियाणा से है, जहां सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी आज हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से संत कबीर कुटीर यानी कि जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर आए, प्रदेश के नागरिकों से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विषयों को सुनकर उनके निवारण हेतु यानी उनके निवारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं बारिश पंजाब दे प्रमुख और खडूर साहिब लोकसभा सीट से स्वतंत्र सांसद अमृतपाल सिंह से मुलाकात के बाद उनके पिता तरसेम सिंह ने कहा कि हर उस मतदाता को धन्यवाद उन्होंने दिया जिन्होंने उनका समर्थन किया, वो काम करेंगे। उन्होंने कहा जनता की सेवा के लिए जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया है, सरकार को सारे मुकदमे वापस लेने चाहिए और लोकसभा में पंजाब की आवाज उठाने की इजाजत देनी चाहिए। बात है कि जो उनको हम लोग को जो इतना उधर के लोगों ने वोटरों ने सपोर्टरों ने उनका पूरे पंजाब के लोगों ने पूरे दुनिया में बसते हुए सिखों ने जो उनको सहयोग दिया उसके लोग को बताया गया, एक छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक भी औरतों तक सब बहुत बहुत उसमें इलेक्शन में उन्होंने बहुत काम किया। तो उन्होंने ये बोला कि मैं सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो मैं इतना सिर से इधर भी बैठा रहा हूँ फिर भी उन्होंने मेरे को इतनी बड़ी बहुमत से जताया कि मैं सबका जिधर जिधर जो जिसने भी मेरे को वोट डाला जिसने मेरे को सपोर्ट किया कहाँ जहाँ से भी वो पंजाब खाली पंजाब नहीं है, पंजाब के बाहर है पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने भी उधर जाके इस मुहिम में हिस्सा लिया, विदेशों से भी लोग आके इसमें सपोर्ट किया। तो सभी का उन्होंने तहे दिल से धन्यवाद किया कि मैं हमेशा मेरे को जितना मौका मिलेगा मैं उनकी सेवा में हमेशा लगा रहूँ। नहीं, इसके बारे में अभी उनके ना तो उनके बस की बात है कि उनकी मर्जी से होगा, ये तो अभी कानून क्या कहता है, जो अपना लोकसभा का कोई सेक्रेटरी है या कोई उधर से क्या कैसे वो इधर से वोट करवाएंगे या उधर लेके जाएंगे क्या कैसा करते हैं इनको। हम लोग तो बोलते हैं कि अभी लोगों ने तो उनके हक में फतवा दिया है, इतना बड़ा बहुमत से जिताया है तो सरकार को भी उनके उससे केस वापस लेके उनको लोकसभा में भी उनको पंजाब की आवाज़ उठाने देनी चाहिए, वो जो अपने लोगों के मुद्दे हैं उनको वो लेके आए हैं आगे। दूसरा है कि वो लोगों के अंदर जो काम करने वाला है पंजाब में नशे का बहुत बड़ा एक ड्रग का बहुत बड़ा इशू है उसको उसके लिए उसको काम करने देना चाहिए, सरकार को सहयोग करना चाहिए। पंजाब सरकार के बारे में आपका क्या राय है? नहीं, सभी सरकार के पंजाब सरकार का भी यही को भी हमारी यही अपील है कि अभी आप लोगों ने बहुत बड़ा उनको उसके साथ हमदर्दी जताया, बहुत बड़ा वोट डाल के उसको आगे बढ़ाया, तो इसे उसका लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए पंजाब सरकार सेंट्रल सरकार को दोनों को हम लोग अपील करते हैं कि ये जल्दी जल्दी उनको रिहा के आ जाए। एड्रेस तो अभी उसको अभी शायद उनके पास हम लोग डायरेक्ट नहीं लेके गए थे, वो इधर रखा था, अभी मिलेगा उनको जो ड्रेस ऐसे कुछ स्पेशल नहीं है तो ऐसे नॉर्मली उनको जरूर था तो हम लोग लेके आए। आज आप लोगों ने बहुत देर बातचीत की, तकरीबन कितने देर आप लोगों ने उनके साथ मुलाकात करने की सुविधा आप लोगों को प्रदान की गई? हम लोग वही है तीन घंटे साढ़े तीन घंटे हम लोग मिले, तो उन्होंने जो भी सब बढ़िया से घर परिवार का इतने लोगों को इधर वो हमारे साथ कैंपेन में या चुनाव में हिस्सा लिया सभी का धन्यवाद किया, कौन कौन आया वो पूछा है कि उनके साथ और साथी है उन लोगों से भी बात हुई आप? हाँ, कुछ आदमी मिले हम लोग को तो उनको भी बहुत खुशी है सभी को, तो सभी को हम लोग को मिलके भी बहुत हमको भी बहुत खुशी हुई सभी को मिलके कि हम लोग को भगवान के आगे भी अरदास है कि जल्दी जल्दी इनको सभी को ही मतलब अपने घर को इतना लंबा जेल किसी को भी नहीं होना चाहिए। रुकेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली की सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह और फिराजा वॉरिंग ने बड़ा बयान देते हुए यह कहा कि हम सभी ने राहुल गांधी से एलओपी बनने की अपील की, यानी एलओपी मतलब नेता प्रतिपक्ष, एकमात्र व्यक्ति राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री का डटकर सामना कर सकते हैं और जब राहुल गांधी खड़े होंगे देश के युवा सुरक्षित महसूस करेंगे और हम पंजाब में कभी भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते थे, यह हमारा फैसला सही था। आपको सुरक्षित महसूस
महसूस करेगा, तमाम से वो मुद्दे महंगे। हाँ, हम सबने अपील की है राहुल गांधी जी को कि आपको विपक्ष का नेता बनना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं, वो हैं राहुल गांधी। और जब राहुल गांधी खड़े होंगे तो देश का नौजवान अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। तमाम से वो मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे जब वो राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे उठाएंगे, तो मेरे को लगता है कि देश के लोग अपने आप को ये महसूस करेंगे कि हमारी बात करने वाला और हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया दिल्ली में अब गठबंधन नहीं है, कब किसने तो पंजाब और दिल्ली से आम आदमी पार्टी को हटाएंगे? देखो, हमने कब कहा कि गठबंधन करो, ये तो था ही नहीं पहले। हमने तो पहले कह दिया कि हम गठबंधन के हक में नहीं है, अगर गठबंधन पंजाब में हुआ तो हम उसके खिलाफ रहेंगे, और हमारा पंजाब में गठबंधन नहीं था। निर्णय सही रहा आपका? हाँ, बिल्कुल निर्णय सही रहा, नहीं तो उनका जो लोगों ने उनका गुस्सा था वो हमारे ऊपर निकालना। तो वहीं पटियाला के धीरू नगर में किराए पर रहने आए दो दंपतियों ने मकान मालिक का एक घर का सामान और दो ई रिक्शा लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। साथ ही आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए मकान मालिक ने ये कहा कि हमारे यहां दो दंपत्ति जो कि यूपी के रहने वाले थे, वो हमारे यहां किराए पर रहने आए थे और हमारे दो ई रिक्शा अब वो चलाते थे। दो तारीख बीती रात को दोनों दंपत्ति दोनों ई रिक्शा और घर का सामान और कुछ नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद पीड़ित मकान मालिक ने पटियाला के सिविल लाइन थाना में मामला दर्ज करवाया। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। तीन हजार रुपये मैं कराया दी से इन्होंने, तो वधिया चलते रहे चार पाँच महीने। तो दो तरीक न इन्होंने मेरे को रोटी भी खाई सब कुछ कराया, फिर उस तो बाद पूछने आए मैंने, आंटी तुम कितने जा तो नहीं रहे? मैं कहा नहीं जा रही, मेरी की गल हो गई? कहते कुछ नहीं आती, चल मैं सुपने सो गई। मैं कह के इधर आ गए, इधर दो ढाई बजे ना उन्होंने कांड करता। सवेरे मैं साबुन लेने आई उन्होंने को कपड़े धोने रही, तो मेरा दरवाजा कुंडा खुला पिया, तो उन्होंने मैंने आवाजा दीतियाँ तो कोई नहीं हो रहे है, तो मेरा ईसी वगैरह तो मेरा सिलेंडर वगैरह तो मेरे सारे घर का लुट के उड़ गए। वीडियो है कोई समान चेक करे जी? नहीं जी, मैं वीडियो मेरे को है नहीं, मैं सवेरे कुंडा खुला देखिया अपना। कितने तरीक की गल है जी? ये दो तरीक की गल है। अजे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई जी मैं थाने से कंप्लेंट करके आई। बंदे कौन हो? नाम पता है, फोटो पता मेरे को। बंदे कौन है, की नाम है? एक नाम है सोनू जी, एक नाम है अवि। तो वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिहुआ में देर रात रेत से भरा एक ट्राली बिजली के मीटर तोड़ते हुए पुराने बाजार में जाकर फंस गई और ट्राला के पीछे पुलिस लगी हुई थी। ड्राइवर ने पुलिस से बचने के लिए ट्राले को तंग रास्तों में घुसा दिया। मीटर टूटने से कई घरों की बिजली गुल हो गई। जानकारी के अनुसार यमुनानगर से कई ड्राइवर ट्राले में रेत भरकर पंजाब जा रहे थे। ओवरलोड होने के कारण ट्राला ओवरलोड होने के कारण वो पुलिस और आरटीओ से बचने के लिए रात के समय वो ट्राला लेकर निकलते हैं। बीती रात को हुए हादसे में कई घरों, दुकानों और बिजली के मीटर और तारों को भी भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं आसपास के लोग शोर सुनकर बाहर निकले। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं। रात 12:30 बजे यहाँ पे ट्रक एकदम बड़ी स्पीड से आया और शटर में मारी टक्कर, हम उठ के बाहर आए तो हमने देखा भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रक है और ट्रक वाले ने कोई नशा कर रखा था। ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरा घर बचा है और सामने हमारी दुकान है जी, वो भी बची है, बहुत भारी नुकसान हो सकता है। जैसे घर वाले कह रहे हैं अभी करंट भी आ गया था काफी, कोई सारे मीटर तोड़ दिए हैं जी, ये खंभों में करंट और पटाखे बजे हैं, यहाँ पे काफी मीटर भी टूटे, हमारे भी टूटा है मीटर और काफी नुकसान हुए। लाइट भी बंद हो गई थी उस टाइम कई घंटे के लिए, फिर बिजली वाले पर फोन किया, फिर वो उन्होंने आके सारी लाइट चालू की। तो पुलिस को मौके पर किसी ने बुलाया? पुलिस पे हमने भी किया था जी, डायल 112 भी किया था, तो पुलिस भी मौके पर आ गई थी, उन्होंने फिर ड्राइवर को साथ लेके गए, उससे पूछताछ की। क्या कारण था इस तरफ घुस गया? नशा कर रखा था जी उसने,
बिना किसी से पूछे बिल्कुल सीधा स्पीड में लेके। तो वैसे तो संभव नहीं है इसमें आना कोई भी। नहीं जी, इसमें तो छोटी गाड़ी आ सकती है सिर्फ, और ये तो 22 टायर ट्रक है जी। शुक्र है किसी का नुकसान नहीं हुआ। रात 12:30 बजे के करीब गली में आवाजें सुनी और बाहर आके देखा तो एक बहुत बड़ा ट्राला 12-22 टायर वो पुराने बाजार से होता हुआ काफ़ी लोगों का नुकसान करता हुआ, जैसे चौतरे वगैरह तोड़े, खंभे तोड़े, तारें तोड़ी, और जाके उसने वहाँ पुराने बाजार में एक खंभे के साथ बढ़ा दिया और वहाँ को निकलने की कोई जगह नहीं थी। रात को इस पुराने बाजार में गऊ में वगैरह बहुत होती हैं और एक गऊ के ऊपर भी वो चढ़ा, ये जो ट्राला था उसके ऊपर टक्कर मारने लगा था, गऊ बच गई बेचारी। और इस पुराने बाजार में काफ़ी कारें वगैरह भी खड़ी रहती है, मोटरसाइकिलें वगैरह, तो रात कुदरती कोई कार वगैरह नहीं थी और काफ़ी नुकसान उसने किया बाजार में और काफ़ी नुकसान होने वाला था, जिससे रात 12:30 बजे के कारण, भाई रात का समय होने के कारण काफ़ी बचाव हो गया, मगर इसने जो ड्राइवर था नशे वगैरह किए हुए थे और इसके साथ खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुकेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां जिले में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि 3 लोग डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि डेंगू के डंक से शहरवासियों को बचाने के लिए तैयारी हर स्तर पर पूरी है। अस्पतालों को डेंगू वार्ड बनाए जाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही डेंगू टेस्ट के रेट निर्धारित किए जाने के साथ ही सिंगल डोनर प्लेटलेट्स के भी रेट निर्धारित कर दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की पालन ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी आपको स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन जो दी जाएगी आपको उसे मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वो डेंगू के डंक से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहने, शॉर्ट्स पहनने की बजाय पैंट या ट्राउजर डालें, ताकि शरीर पूरी तरीके से ढका हुआ रहे और मच्छर को काटने का मौका ना मिल पाए। इस बार डेंगू से बचने के लिए बिल्डरों को भी आड़े हाथों लेने की तैयारी की जा रही है। जिन स्थानों पर बिल्डरों द्वारा गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया, वहाँ आने वाले मानसून के समय में बरसात का पानी भर जाता है और वहाँ पर मच्छर पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग सजग और सचेत। पिछले सप्ताह या इस सप्ताह की मैं बात करूं तो हमने जो सैंपल जो केसेस जिनको हम कहें कि संभावित या संदिग्ध जो डेंगू के केसेस थे, जिनके सैंपल लिए थे, जो 400 से ज्यादा सैंपल लिए गए थे, उनमें से 3 केसेस जो है वो डेंगू के पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 जो केस थे वो वजीराबाद या फरूकनगर जो हमारी CHC है उसके अंदर, जो वजीराबाद हमारी PHC आती है उसके एरिया को बिलोंग करते हैं, और एक हमारा ओल्ड गुरुग्राम में गांधीनगर एरिया जो है एक केस, बल्कि जो गांधीनगर में है वो एक बच्चा जो है 10 वर्षीय बच्चा, उसका वो है डेंगू पॉजिटिव पाया गया है। ये अभी तक की जो है पहले 3 केस हैं गुरुग्राम के इस साल में जो डेंगू के केस पाए गए। कितने प्रकार के डेंगू होते हैं? देखिए, आप बजाय इसके ये समझने के कि डेंगू कितने प्रकार के होते हैं, मैं आम जन के लिए और आपकी सुविधा के लिए इसको सिर्फ 2 ही चीजों में कैटेगराइज करना चाहूंगा। एक डेंगू फीवर जो है और एक डेंगू हेमरेजिक फीवर जो है। तो डेंगू फीवर जिसमें होता है उसमें सिम्टम्स जो आम फीवर की तरह सभी, अगर मैं कहूँ फीवर, मसल पेन या रिट्रोऑर्बिटल पेन, हेडेक, वोमिटिंग और ये सब होता है, लेकिन जो डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसको हम बोलते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसमें हो जाता है, DSS जिसको हम कहते हैं, वो एक खतरनाक सिचुएशन होती है। अगली खबर अंबाला से है, जहां कई साल के मुकाबले इस साल गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां गर्मी के कारण आम जन जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी का असर अब आर्थिक जीवन पर भी पड़ने लगा है। आपको बता दें कि सब्जियां और फल महंगे होने से रसोई का बजट भी गड़बड़ाने लगा है। मंडी में मौजूद सब्जी विक्रेताओं का यह कहना है कि इस साल काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिससे मंडियों में ग्राहक कम आ रहा है और साथ ही गर्मी के कारण उनकी सब्जियां भी खराब हो रही हैं।
इस गर्मी से हम बहुत परेशान हुए हैं। गर्मी ने पारा इस बार तो आज तक हमने अपने जीवन में कभी ऐसा पारा सुना ही नहीं जितना इस तक गया है। कभी 30-37-38 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम सुनते थे, अब तो 48-49-50 डिग्री को भी क्रॉस कर रहा है। और गर्मी ने हर तरफ हायतौबा मचा रखी है, जिसकी वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। जीवन सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक घर से निकलना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। सारा कुछ से सबके बिजनेस और कारोबार पर बड़ा असर पड़ रहा है। और महंगाई का भी आलम ऐसा है कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गर्मी की वजह से बहुत कुछ प्रभावित हो रहा है और हम चाहते हैं कि परमात्मा जी जल्दी जल्दी बारिश हो या कुछ और पानी का इंतजाम भी और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंतजाम किया जाए इस गर्मी के लिए। दुकानदारों को भी राहत दी जाए, उनके भी समय खराब हो रहा है, सब्जियां खराब हो रही हैं, फल खराब हो रहे हैं, जिसका उनको भी नुकसान बैठ रहा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त। गर्मी बहुत बढ़ रही है, सौदे को बचाने बहुत मुश्किल है। पानी मार मारे सौदा बचाना बढ़ रहा है, नहीं सौदा खराब हो जा रहा है। सस्ता बेच करके बेचना पड़ रहा है हर चीज। ग्राहक को कहते ग्राहक कह रहा है झिल्ला पड़ा है, ग्राहक को नहीं पता गर्मी इतनी बढ़ रही है। गर्मी करके तो सौदा बचा नहीं रहा कुछ भी मार पे, इसलिए अब धनिया का भी हाल कैसा हो रहा है देखो गर्मी में। अब पानी ना मारे किसा आप ना करता बचेगा नहीं कुछ भी, इसलिए दामो ग्राहक को बताएंगे सस्ता ग्राहक है का महंगा है। ग्राहक लेता ही नहीं तब भागता ग्राहक, सस्ता जितना मर्जी बता दो उसको ग्राहक को भी, ग्राहक लेता ही नहीं सर चीज के लिए। टमाटर अभी 30 है, शाम को 10 रुपए बेचेंगे, अभी ग्राहक कहेंगे सस्ता है महंगा बढ़ रहा है। इधर सस्ती सब्जी बेचो जितनी मर्जी आप, धनिया चल रहा 10 रुपए गुच्छी छोटी, ग्राहक गुच्छी कहेंगे तब कहेंगे छोटी है काम में देख लो। धनिया जो महंगा हो रहा गर्मी करके 150 रुपए मंडी में धनिया सबसे ज्यादा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर कुरुक्षेत्र से है जहां आकाश नगर में सड़क किनारे झाड़ियों के बीच एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। आपको बता दें कि शव सड़क किनारे झाड़ियों के बीच में पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। 5-7 मिनट पहले हमारे पे इवेंट आया था, उसमें फोन आया था कि डेड बॉडी पड़ी है। तो सर जैसे ही आपने देखा तो यहाँ डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन उसकी पहचान अभी होने का नहीं है। आईओ को फोन करके सर गई हुए थे, आई कर दिया है और आईओ अभी पहुँचने वाला है। सर कोई नशे की हाथ में लगा है, कैसे लगा कुछ प्रथम दृष्टि कैसा लग रहा है आपको? कुछ ऐसा लग नहीं रहा सर, बाकी आईओ साहब आ गया इसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे जैसे भी होगा डॉक्टर। तो वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कलयुगी बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। आपको बता दें कि आरोपी बेटे ने पहले अपनी मां को लात घूंसे मारे और बाद में गला घोंटकर उन्हें मौत की नींद सुला दी। इतना ही नहीं, शव को घर में भी छुपा कर रखा। दुर्गंध आने पर पड़ोसियों को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी। घटना शाहबाद कस्बे के हुडा सेक्टर के मकान नंबर 403 की बताई जा रही है। आपको बता दें कि मृत महिला की शिनाख्त कृष्णा देवी 55 जिसकी उम्र है उसके रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी कि थोड़ी कम आई स्मेल, हमने सोचा चलो ऊपर कूड़ा पड़ा है हमें चलो इसकी आ रही होगी। तो आज सुबह हम सुबह देखे, सुबह तो बहुत ज्यादा आ रही थी, फिर मेरी वाइफ ने 112 नंबर पे कॉल की, फिर पुलिस बुलाई। तो आप इस घर में नहीं रहते क्या? हाँ जी हम ऊपर है, मारा ऊपर। क्या लग रहा है कि मतलब भाई ने मारा है क्या? पता नहीं जी, हमें कुछ नहीं पता जिसके ऐसे पता लग रहा है। आज सुबह कंट्रोल रूम के अंदर एक सूचना मिली थी, एक व्यक्ति ने अपनी मदर को मार दिया है और उसकी डेड बॉडी 2 दिन से ना स्मेल आ रही है उसके अंदर। तो हम पहुंचे थे मौके पे तो यहाँ देखा डेड बॉडी रखी हुई थी, कृष्णा देवी है हुड्डा पार्ट 2 की। तो इसके लड़के ने, छोटे वाले लड़के ने, मोहित नाम है उसका, उसने अपनी मदर को परसों मारा और उसकी डेड बॉडी वहीं रखी रही। कारण क्या क्या क्यों भाई? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन है, अभी से पूछताछ करेंगे उसके बाद पता चलेगा क्या कारण था। किस तरह से मारा गया? मार मार के थप्पड़ मुक्के से, मुक्के से मार मार गला दबा के, जो उसने फिलहाल की स्टेटमेंट में बताया। कितने वर्ष की आयु है कृष्णा देवी की? उम्र होगी जी 55 के आसपास, 55-60 के आसपास। इसकी मोहित होगा जी 30 के आसपास, 25-27 के आसपास। आरोपी पकड़ लिया जी, मौके पे था ये पकड़ लिया इसको, FSLT बुला ली मौके पे, अभी इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, उससे एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ पता चल जाएगा। अगली खबर पटियाला से है जहां एक मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई और मौके पर ही उसमें विस्फोट हो गया जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक की पहचान 25 वर्षीय साहिल कुमार के रूप में हुई है। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। ट्रक से गई
किसने नशा किया ट्रक वाले जी के आ रहे थे जी तो ब्रदर मेरा मोटरसाइकिल मतलब बजा ट्रक से तो मौके से ब्रदर की डैथ हो गई ब्लास्ट हो गया 200 रुपये का फोन से मैं ही दिता से 200 रुपये तो इधर पुद्दू मोटरसाइकिल एजेंसी कंपनी से मोटरसाइकल पल्सर से ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਜਾਜ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਖ ਭਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਬਲਾਸਟ ਕਿਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਜੀ ਪਲਸਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਲਾਸਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਬਲਾਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਜੀ ਐਟ ਦੇ ਸਪੋਟ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪੋਟ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ अगली खबर कुरुक्षेत्र से है जहां 5 लाख से अधिक लोग आभा कार्ड बनवाकर सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। अस्पतालों में इलाज के लिए लगने वाली मरीजों की लंबी कतारों से अब लोगों को जल्द ही मुक्ति मिल पाएगी। इसके लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खोला जा रहा है। इसमें मेडिकल रिपोर्ट भी डिजिटल होगी और डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श मिल सकेगा। इसमें आधार कार्ड नंबर के साथ अकाउंट भी जोड़ा जाएगा। प्रदेश भर में ये प्रक्रिया पिछले महीने ही शुरू हो चुकी है। कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो यहां 5 लाख से अधिक लोगों के अकाउंट ओपन हो चुके हैं। इस आभा ऐप के जरिए आप अपने फोन के जरिए कहीं पर भी आप अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री अपना रिपोर्ट्स कहीं पर भी दिखा सकते हैं और किसी भी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। साथ ही इस ऐप के माध्यम से आप अपना कई सालों का पुराना डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। अगली खबर रोहतक से है जहां आज जय हिंद सेना के प्रमुख नवीन जय हिंद के पास पानी और सीवरेज की समस्या से परेशान महावीर कॉलोनी रोहतक के पुरुष और महिलाएं नवीन जय हिंद के तंबू में पहुंचे। आपको बता दें कि महावीर कॉलोनी निवासियों ने जय हिंद को यह बताया कि सीवरेज से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से हमें अनेकों कठिनाइयों और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी की पूरी सड़क को तोड़ रखा है जिससे सीवरेज का पानी रिस रिस कर घर के अंदर तक घुसने लगा है। इस कारण घर के छोटे बच्चे बुजुर्गों को अनेकों बीमारियां होने लगी है। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के गिरने से बुजुर्ग की कमर में झटका लग गया और जिस कारण उसे हॉस्पिटल में उसे भर्ती करना पड़ा, जिसके चलते कॉलोनी निवासियों ने धरना प्रदर्शन भी किया। अगली खबर अंबाला से है जहां जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर एक लंबे समय के लिए किसान रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठे हुए थे। आज उनमें से एक किसान गुरकीरत बेल पर बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद गुरकीरत अपने गांव मच्छोटा पहुंचा जहां गांववासियों ने उसका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गुरकीरत ने अपने जेल के सफर के बारे में बताया और कैनन बॉय नवदीप का संदेश भी दिया। जिथे बीमार भी हैं लेकिन हौसला बहुत बड़ा है, एक अकाली परिवार है। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।